कभी साइकिल कभी झोली फैलाकर कुछ अलग अंदाज में वोट मांग रहे राजू अहिरवार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे विभिन्न राजनीतिक दल के जननायक अपने अधिकृत प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आम सभा नुक्कड़ नाटक तमाम प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं दतिया विधानसभा चुनाव में इस बार दतिया जिले के वसई काफी चर्चा में है और हो भी क्यों ना, जब समता मूलक पार्टी प्रत्याशी राजू अहिरवार अपने यहां से चुनाव लड़ रहे हों। दतिया विधानसभा क्षेत्र में भी इस बार प्रचार के अपने अपने अनोखे तरीके की वजह से काफी ये चर्चा में है। अब सरकार तो वैसे बड़े भी खुशक जी की बने तो बने, लेकिन हम तो अपना संघर्ष करेंगे गरीबी रेखा में। अच्छा, किस चीज से परेशान हो या सुखी हो, क्या है? हम बेरोजगार है, भूखे प्यास में मर रहे, ना हमें कुड़ी ले बनी कछु नहीं मर रहे, हम तो बिल्कुल परेशान है। तो क्या देख लेंगे यहाँ करके, हम तो मुख्यमंत्री देख ले, मुख्यमंत्री चाहे कुछ देख लेगा, झूठ ही करा तो जान दिखा तो कर सकते। इस गाँव में हम निर्भूम बेरोजगार डरे हुए हैं, हरिजन आदमी सब कसबारा घर बिल्कुल परेशान। विकल्प के रूप में किसको चाहते हैं आप, कांग्रेस या भाजपा या फिर आपके राजू भाई निर्दलीय? जो राजू भाई कह रहा है अब तो हमने सबकी देख ले, तो नहीं की और देख ले क्या होता है। भाजपा शासन काल में महंगाई के कारण हम पेट्रोल और डीजल से परेशान है सब जगह, तो हमने एक गरीब प्रत्याशी के रूप में दतिया विधानसभा में हमारे सभी समर्थक और हम लोगों ने सब लोगों ने संकल्प लिया है कि हम एक एक करके साइकिल के माध्यम से, हमारे पास डीजल पेट्रोल के लिए पैसे नहीं हैं, तो हम लोग पूरी विधानसभा में साइकिल से प्रचार करेंगे और एक भीख के माध्यम से निवेदन के माध्यम से अपने पक्ष में अपना मतदान के लिए एक एक वोट जरूर मांगेंगे सभी पूरी विधानसभा से। जैसे कि दतिया विधानसभा में कई बड़े से बड़े दिग्गज खड़े हुए हैं, इनका मुकाबला करने के लिए क्या आपने कुछ खास प्लानिंग की है, खास तैयारी है आपकी? जी क्यों, अभी तक भाजपा की मध्य प्रदेश में कम से कम 15 और 18 साल के बीच में CM शिवराज सिंह चौहान रही और लगातार 2014 से 2023 के बीच में केंद्र में भी सरकार BJP की है। सबसे पहले युवाओं की जो बात करी जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में जो पढ़े लिखे युवा हैं आज भी रोजगार के उपलक्ष में हर जगह सड़क पर डरे हैं। यहाँ से कोई दिल्ली जा रहा है, कोई अहमदाबाद जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, हर जगह हमारी विधानसभा और हमारे मध्य प्रदेश के युवा परेशान हैं। इसलिए हम घर घर जाकर समझा रहे हैं कि भाजपा शासन से आप दूर से रहें और अपने, हमने संकल्प लिया कि हम मध्य प्रदेश में और दतिया अपनी विधानसभा में एक बड़ा मील लगाएंगे और हम कम से कम ज़्यादा नहीं 2-4-5 हज़ार लोग एक शिफ्ट में काम करेंगे।